कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मूलचंद मार्ग पर बीती देर रात एक युवक द्वारा गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए गाय मालिक ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले किया, जहां गाय के मालिक की शिकायत पर दोषी युवक के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर युवक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कैंट थाने से मिली जानकारी के अनुसार मूलचंद मार्ग पर शनिवार देर रात्रि में इरफान नामक गोपालक ने अपनी गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए एक युवक को धर दबोचा, साथ ही दोषी की फोटो और वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध करवाई है। साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की। उक्त मामले में कैंट थाना पदस्थ सब इंस्पेक्टर आरएस परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में फरियादी इरफान की शिकायत पर और दिए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नागेंद्र पराशर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी मूलतः मंदसौर जिले का निवासी है और यहां मजदूरी कर रहा था, साथ ही वह नशे का भी आदी है। पुलिस ने आरोपी पर धारा 377 सहित अप्राकृतिक कृत्य करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और पूरे मामले की विवेचना जारी है। सर, मूलचंद मार्ग पे देर रात में कल जो है गाय के साथ अप्राकृतिक करते हुए युवक को पकड़ा गया था, क्या कार्रवाई की गई पुलिस द्वारा और अभी क्या स्थिति है? हाँ, ये मूलचंद मार्ग पर फरियादी इरफान ने, इन्होंने अपनी एक गाय पाल रखी, रात में 11 बजे करीबन ये अपने दोस्तों के उसके साथ घर के बाहर आके बातचीत कर रहे थे। इन्होंने देखा कि गाय के पास कोई आदमी लेटा हुआ है, फिर इन्होंने गंभीरता से देखा तो एक व्यक्ति अप्राकृतिक कृत्य गाय के साथ कर रहा था। इन्होंने उसके मौके पर वीडियोग्राफ भी लिए, सीडी भी बनाई, फिर उस आदमी को पकड़ कर थाने पेश किया। उस व्यक्ति के विरुद्ध हमारे द्वारा अप्राकृतिक कृत्य का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसको गिरफ्तार किया गया है। इसकी विवेचना उप निरीक्षक कैलाश किराड़े द्वारा की जा रही है। सर, उसे क्या जेल भेज दिया गया है, न्यायालय पेश करेंगे? हाँ, इसको आज न्यायालय पेश किया गया है, जहाँ से इसका जेल वारंट बना है और कनौटी जेल दाखिल किया जाएगा। इसको धारा 377 माधवी के अंतर्गत केस रजिस्टर्ड किया गया है। सर, आरोपी का नाम? आरोपी का नाम नागेंद्र पाराशर, ये नाहरगढ़ सर्कल का रहने वाला है, गरनई गांव का, अभी इतना पता चला है, जिसकी हम तस्दीक करवा रहे हैं सकूनत की। सर, नीमच में किस उद्देश्य से वो यहाँ पर रह रहे हैं? ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे इधर मेहनत मजदूरी करता है, कुछ नशे का भी आदी है। सर, आपका नाम?